मेरा जितना संबंध रहा उनसे 7 साल का, मैं नहीं समझता किसी और का ऐसा संबंध रहा होगा, चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा नेता हो या उनका कितने से बड़ा मित्र हो। बड़ी रोचक चीज है उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को खूब किया, अंत तक वो सब लोगों से बात करते रहे। आप देखिए शिवराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में वो मेरे से 1 साल सीनियर थे, हम दोनों का साथ शिवराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़ा, वो प्रेसिडेंट और मैं सेक्रेटरी, सेम यूनियन के थे। उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट, उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट, फिर वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष दिल्ली के, मैं फिर उनके बाद युवा मोर्चा का अध्यक्ष, फिर उसके बाद वो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के, मैं ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी का बीजेपी का बना, फिर वो एमपी बने, फिर मैं एमपी बना, फिर वो मंत्री बने, फिर मैं मंत्री बना। तो आप समझिए कि जो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से संबंध जुड़ा था वो राज्यसभा में जाके समाप्त हो गया, और राज्यसभा में भी वो सदन के नेता और मैं सदन में संसदीय कार्य मंत्री, वो आगे बैठते थे, मैं उनके पीछे बैठता था। तो पीछे पीछे का सफर के अंदर जीवन की कितनी घटनाएं, कितनी फोटोएं और कितना साथ हमारा था मैं बता नहीं सकता। राजनीति में हमारे मतभेद भी होते थे, और आप समझिए हमारे पारिवारिक संबंध थे। मेरे परिवार का एक भी कार्यक्रम, मेरे पिताजी से उनका बड़ा लगाव था चक्रीलाल गोयल जी से, मेरे परिवार का एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं था जो कि उन्होंने आज तक छोड़ा। मैं वाजपेयी जी के साथ जब काम करता था तो मैं देखता था, चाहे आदरणीय वाजपेयी जी थे चाहे आदरणीय मोदी जी थे, दोनों को अरुण जेटली की बहुत जरूरत होती, और अरुण जेटली खुद चलकर बहुत सारे कामों को संभालते थे। उनको हम संकट मोचक भी कहते थे, उनको हम ट्रबल शूटर भी कहते थे, और सबसे बड़ी बात यह है वो सबको उपलब्ध थे। मैं सब बताता हूँ, बहुत नेता है जो आपको फोन के ऊपर उपलब्ध नहीं होंगे, आज भी पहले भी और समय के अंदर भी। अरुण जेटली एक ऐसे नेता थे जो सबको फोन के ऊपर उपलब्ध थे, सबसे बातचीत करते थे, सबको राय देते थे, और जो बात हमें कहीं से ना पता चले तो हम उनसे राय करने के लिए पहुंच जाते थे। मैं तो बहुत भावुक हूँ और मुझे ऐसा लगता ही नहीं कभी कि जेटली जी हमारे बीच के अंदर से चले गए। आज हम सब उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, और वाकई में उनसे बहुत कुछ सीखने को, उनकी मल्टीफेसेट पर्सनैलिटी थी, एक ही क्षेत्र में नहीं थे, वो वकालत में थे तो सबसे छोटी पद थे, राजनीति में थे वो सबसे छोटी के ऊपर थे। तो कॉलेज के उन फाका मस्ती के दिनों से लेकर आज तक मुझे सब दिन याद आते हैं। मुझे मौका दिया आपने बोलने का, इसलिए मैं अजय भाई का और आप सब लोगों का बहुत आभार हूँ।
डाउनलोड तरंग ऑनलाइन रेडियो ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। You are listening to Tarang Devotional Online Radio.